अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह के फजलो करम से सब ठीक ठाक हैं। कैसी चल रही हैं छुट्टियां? अब तो बच्चों की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं, इसलिए मैं वो डिशेस ला रही हूँ जो आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस बच्चों से रिलेटेड होंगी कि बच्चे जो चीज़ लंच बॉक्स में लेके जाएं वो मैं बनाना आपको बताऊं। चलें आज हम लोग ट्रैफल बनाते हैं, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा बहुत बनेगा और आपको भी पसंद आएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा। एक लीटर दूध मैंने ले लिया, एक लीटर दूध को मैंने हल्की आंच पर पकाना शुरू कर देना है। थोड़ा सा दूध मैंने ले लिया, उसमें मैं चार चम्मच वनीला कस्टर्ड के शामिल करूंगी। और इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, बिल्कुल भर भर कर डालने हैं, काटना बिल्कुल नहीं है इसको। दूध हमारा बॉयल हो रहा है, उसके साथ साथ ही हम जेली का शुरू करते हैं प्रोसेस करना। ये मैंने लिया है 125 यानी हाफ कप है ये, इसकी ये हम 5 कप लेंगे जेली के लिए, एक पैकेट जेली के लिए 400 ml या 450 ml आप ले सकते हैं पानी। ये 400 तकरीबन 450 ml मैंने पानी ले लिया, इसको अब हम पकने के लिए रख देते हैं। जैसे ही पानी बबलिंग करेगा इसमें हम जेली का पैकेट डाल देंगे। दूध हमारा बॉयल हो चुका है, अब इसमें मैंने 200 ग्राम चीनी ली है, लेकिन मैं इसमें कम डालूंगी, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। 200 ग्राम मैंने चीनी इसमें शामिल किया, लेकिन मैंने थोड़ी सी रहने दी है इस वजह से कि पहले देख लेंगे, चख लेंगे, इसका टेस्ट करेंगे। शुगर जितनी आपको पसंद आप उतनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने 200 ml ही शामिल की है, बहुत अच्छा इसका वो टेस्ट है, शुगर बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद इसमें हम कस्टर्ड हम डालेंगे, जो कि देखो बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये मिक्स हो चुका है। इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए, लम्स अगर आ गया कोई भी चीज़ तो फिर वो कस्टर्ड सही नहीं बनेगा आपका। ये साथ ही हम शामिल कर देंगे, अब इसको अच्छी तरह पकने के पकाएंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि कस्टर्ड हमारा नीचे ना लगे। पानी हमारा 400 ml मैंने शामिल किया, 400 से 450, इसमें मैंने एक पैकेट जेली का शामिल कर लिया। पानी हमारा बहुत अच्छा पक रहा था, इसको थोड़ी देर पकने के लिए रहने देंगे। ऐसे चम्मच को आप लाते जाइएगा। जेली हमारी पक चुकी है, एक पैन में हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। एक और जेली तैयार की है, स्ट्रॉबेरी जेली, ताकि हमारा जो ट्राइफल है वो बहुत खूबसूरत, उसकी लुक भी खूबसूरत आए। ये तैयार मैंने कर ली है, इसको भी हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। 2 पैकेट मैंने बिस्किट के डाल रही हूँ, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। सुपर बिस्किट मैंने डालने हैं इसमें 2 पैकेट। माशाल्लाह बहुत अच्छे ग्राइंड हो गए हैं। अब हम जेली हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल जम चुकी है, अब इसको हम छोटे छोटे स्लाइस में काट लेंगे। इसकी क्यूब्स बन गए हैं, क्यूब्स की शक्ल में हमने इसको काट लेना। क्यूब्स में माशाल्लाह हमारी ये रेडी हो गई। हम अब इसको फाइनल करने लगे हैं, सबसे पहले मैं इसमें कस्टर्ड ऐड करूंगी।
आप अपनी मर्जी से एक ही लेयर में सब कुछ कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगी, हर चीज को सेपरेट लेयर में लेके रहूंगी। इसके बाद बिस्किट का जो हमने पाउडर बनाया था वो इसमें शामिल कर देंगे। इसमें मैं कॉकटेल लिया है वो थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। इसमें साथ पहले जूस थोड़ा सा इसमें मिला देंगे। इसके बाद फिर कस्टर्ड शामिल करेंगे। बिल्कुल आराम से तसल्ली से करेंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी लुक आएगी। अब हम इसमें जेली ऐड करेंगे। इसमें फिर पाउडर की एक लेयर, कॉकटेल का फिर जूस थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे। ये मैंने अखरोट लिए, उसको मैंने ग्राइंड नहीं किया, मैंने इसे लिया थोड़ा सा क्रश किया खुद ही। इसके बाद फिर लेयर करेंगे हम कस्टर्ड की। इस पर अब हमारी ग्रीन जेली आ जाएगी, आप इसकी भी लेयर बनाएं, लेयर की फॉर्म में। इसमें फिर हम कॉकटेल जो है वो इस तरह सेपरेट करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक आ रही है इसकी। अब फाइनल जो है फिर कस्टर्ड इसके ऊपर ऐड करेंगे। ट्राइफल हमारा तैयार है। आपको अगर पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।